नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। पहली कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना। एक बार कसम याद रखना। Thank you.
उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार कहाँ लच्छा है। राकेश, मुझे तुम्हारी ये हरकत पसंद नहीं। तो क्या आपको ये पसंद है दिलीप रीटा के साथ रंगरेलिया मना? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आपको मेरी बात का यकीन है तो चलकर देख लीजिएगा, मगर एक शर्त है, अगर मेरी बात सच निकली तो आपको हनीमून स्पेशल आइसक्रीम खिलानी होगी। यू लुक सेक्सी, नाइस हेयर। अरे माला, माला, चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। कितना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। Welcome, Dr. Ashok. Thank you, Doctor. How are you? Fine. Aapse milie, Dr. S.P. Sharma. How do you do, Doctor? So glad to meet you, Doctor. Thank you. Aapse milie, Rai Sahab, Mahendra Pratap. Welcome home, Dr. Ashok. Thank you, Rai Sahab. Aapne jo Chief Sergeant post kabool karke humare hospital ko izzat di, uske liye main shukriya ada karta. Isme shukriya ki kya baat hai, Rai Sahab? It is an honor for me. Ye hamari beti Mala. Namaste. गुलाब, फूलों में गुलाब का फूल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर, आपको घर छोड़ के। नहीं नहीं राय साहब, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उसी के साथ जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर, नमस्ते।
दिलीप अशोक मुझे वो दिन याद आ गए। मैं भी यही सोच रहा था दिलीप। अशोक तुमने फिर अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। अरे तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ? जान देने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये गुलाब से ही काम चल जाएगा। अशोक खुशबू को जानी पहचानी से मालूम होती है। अपनी खूबसूरत नाक इस गुलाब से दूर रखिए। डॉक्टर साहब ये गुलाब डॉक्टरों के पास नहीं मुझ जैसे कलाकारों के पास होना चाहिए। ला मुझे दे। हरगिज नहीं, जो मांगेगा मैं वही दे सकता हूँ, लेकिन ये गुलाब मत मांग। ऐसी क्या खास बात है? ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताता हूँ, पहले ये बता कि माँ कैसी है। देखो अशोक अगर मैं माँ की देखभाल कर रहा हूँ तो नेचुरली माँ अच्छी होगी। हाँ माँ माँ अशोक मेरी बेटी आजा मेरे बीच में। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा माँ। इस दिन के लिए तो मैं एक एक दिन विदा करती थी। कब मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा और मैं खुशियों के दीप जलाऊंगी, खुशियों के दीप जलाऊंगी और अपने बेटे का खून मीठा कर। अरे माँ जी जरा ध्यान रहे कहीं मेरा हिस्सा ना खा जाए। अरे दिलीप तू वहाँ क्या कर रहा है? तू भी तो मेरा बेटा है। बेटा तो हूँ माँ जी, मगर ये इंग्लैंड रिटर्न साहेबजादे को जरा चांस दे रहा हूँ। वैसे इंग्लैंड में से सब कुछ मिला होगा मगर माँ जी के हाथ की मिठाई नहीं मिली होगी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू रोज माँ के हाथों का खाना खा रहा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। जैसे जरूर तू इंग्लैंड से मेरे लिए कुछ लाया है। लाया इटालियन जैकेट, पहन कर देख ले। शायद ये टाई भी मेरे लिए लाया है। हाँ लाया तो अपने लिए था, लेकिन अगर तुझे पसंद है तो रख ले। यार तेरी पसंद मेरी पसंद एक ही है, तुम दोनों के दिल भी तो एक है बेटे। माँ ये पेरिस से तुम्हारे लिए शॉल लाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ गया मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान तुझे सुखी रखे, तू फूले फले आबाद रहे। शादी हो, बच्चे हो, बच्चे के बच्चे हो, फिर बच्चों के बच्चे हो। दिलीप मेरी तमन्ना है कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो, बड़ा मजा आएगा। ये नामुमकिन है, मेरी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है, तुम्हारी तो पहली मुलाकात है। दिलीप शर्त लगाते हो अगर मेरी शादी पहले हो गई तो? जो सजा तुम दो। तुम मेरी शादी में तुम्हें शहनाई बजानी होगी। मंजूर है, और अगर मेरी शादी पहली हो जाए तो तुम जो बोलो। जब मैं हनीमून मनाने कश्मीर जाऊं तुम मेरी कार के ड्राइवर बनोगे। दिलीप साहब आपका ड्राइवर बनने में मुझे बड़ी खुशी होगी। मक्खियां मार रहे हो बा? उल्लू इडियट, चलायो। तुम चाय में मक्खी डालकर लायो? 15 पैसे की उधार चाय में मक्खी नहीं तो क्या कुत्ते बिल्ली डाल कर रहा हूँ? अबे ओ कुत्ते और बिल्ली मेरी डबल रोटियां खाकर वफादार हो गए, मगर तू बेईमान का बेईमान ही रहा। अपनी काली जुबान को बंद रखो। क्या बंद रखूं? आपके पास बनने आया था जानी वाकर और आपने मुझे बना दिया अपना नौकर जाकर। माई माई ड्यूटी 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 ड्यूटी। मैं अंदर आ सकती हूँ? बाबा क्या ऑफिस है? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया तस्वीरें लगी हुई है। ओह मगर यहाँ एक चीज की कमी है, दरवाजा मेरी तस्वीर यहाँ लगनी चाहिए। लंदन लंदन यहाँ हिरन बनाते हैं। आप चुप रहिए, आठ समुद्र पार से ट्रंक काल आया है। बॉस्टन कॉल फ्रॉम लंदन। हेलो लंदन, क्या हाल है भाई? बच्चे बच्चे कैसे हैं? ओहो रॉकटन, हेलो रॉकी, क्या हाल है? हैं हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हो? को प्रोडक्शन डील? हाँ फिर हमारा उल्लू बना रहे हो? हैं अच्छा अच्छा, आपकी बात सच्ची बना रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। हिंदुस्तानी हीरोइन चाहिए? अरे भाई एक हीरोइन तो हमारे ऑफिस में खड़ी हुई है। हाँ हाँ क्या कहा? एलिफेंट, बेबी एलिफेंट? अरे वो भी हमारे ऑफिस में मौजूद है। यस यस मैं अभी पार्सल करके भिजवा देता हूँ।
ओके ओके देखिए आप फिल्म में काम करेंगी इसीलिए तो आई हूँ वेरी गुड देखिए हम एक जानवर की फिल्म बना रहे हैं को प्रोडक्शन टीम उसमें आपके लिए एक बड़ा अच्छा रोल है तो अगले महीने आपको पानी के जहाज से काला पानी भिजवा दिया जाएगा काला पानी क्या वहाँ कोई आउटडोर शूटिंग हो रही है आप कौन है मेरी सौतेली लड़की आप चुप रहिए आप बोलते बहुत बोलती है मगर अकेले में वेरी गुड ऐसा ही रोल है हमारे पास ड्यूटी ड्यूटी हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है दूसरी फिल्म कंपनी में जा रहे हैं देखिए आपको कोई नाचवा चाहता है हाँ नाच आता है कत्था करिए भारत नाट्यम इंग्लिश हिंदी सिंधी सब ये देखिए कत्थक का तोड़ा ता थाई ता ता था ता थाई ता थाई ओए होए 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 मेरी कुर्सी गई याहो चल चल घर चले चल हमारा काम हो जाना चाहिए चल प्यारे कैसे हो तुम ये क्या हुआ तुम्हें दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है और कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई है हा? बात यह है अभी अभी एक भौचाल आया था मेरी सारी दुनिया को हिलाकर चला गया छोड़ो इन बातों को ये बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ गए थे अजीज दोस्त अशोक लंदन से आया है डॉक्टरी पास करके मैं इन दिनों उसी के साथ था सुनिए आपका दोस्त लंदन से डॉक्टरी पास करके वापस आ गया मगर तुमने एमए पास करने के बाद कौन सी झक मारी तुम क्या बन गए तुम्हें भी तो कुछ बनना चाहिए अरे काम की तलाश में हो यार ये देखो नई पेंटिंग्स बनाकर लाया हूँ सुनिए इन बकवास पेंटिंग्स के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है अरे ये क्या कर रहे हो समझे आगे तुम्हारी पुरानी पेंटिंग मेरे ऑफिस में पड़ी हुई सड़ रही है सड़ने दो यार शायद कभी किसी को पसंद आ जाए सुनिए तुम्हारी इन पेंटिंग से पेट नहीं भरेगा मेरी बात सुनो दिल्ली चलो वहाँ मेरा एक लालची अंकल है जो थिएटर का मालिक है और तुम्हारी आवाज में जादू है अगर जालिम किस्मत नैया को खिलौना समझ कर खेले तो मैं नहीं इसे मानती इंसान की किस्मत अपने हाथ में है वो उसे बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है समझे समझा मगर मैं नहीं मानता डरो मत देवदास तुम्हारी ये पार्वती नैया को किनारे लगाकर ही रहेगी माला तुम जानती नहीं कि इंसान के जिंदगी के साथ बेरहम हाथ कभी कभी ऐसा भयानक खेल खेलता है कहीं वो बेरहम हाथ इसे चूर चूर न करते ऐसा ना कहो दिलीप हमारी प्यार की सच्चाई के सामने वो शक्ति कुछ भी नहीं हमें कोई जुदा नहीं कर सकता हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी है हाँ मगर हमारी जिंदगी के इस बंधन को क्या तुम्हारे पिताजी पसंद करेंगे क्यों नहीं जिस बात से मुझे दुख पहुंचे वो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते और फिर तुम्हारे लिए तुम्हें घर का सुख चैन सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हूँ तुम जानती नहीं मुझ पर भरोसा रखो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा दिन रात मेहनत करके जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दुनिया की उस हसीन खूबसूरत जगह ले जाऊंगा जिसे लोग कश्मीर कहते हैं और वहां तुम्हारी एक पेंटिंग बनाऊंगा उस पेंटिंग को देखकर कश्मीर भी शर्मा जाएगा तुम कश्मीर गए हो क्यों बहुत ही खूबसूरत जगह है दिलीप मैं कई बार जा चुकी हूँ जब हम चलेंगे तो मैं तुम्हें वहां प्यार की एक यादगार दिखाऊंगी जिसे लोग लवर्स लीप कहते हैं लवर्स लीप जहां प्यार में नाकाम होकर दो प्रेमियों ने उस चोटी से कूदकर पहाड़ की गोद में अपनी समाधि बना ली वो जगह प्यार करने वालों के लिए एक आदर्श है जी जाता है तुम्हें अभी इसी वक्त मान ले चलो क्या मेरे इम्तिहान लेना चाहती हो तुम मुझे कूदना पड़ेगा हाँ क्यों नहीं अच्छा अच्छा अगर ये बात है तो मैं अपनी जान दे दूंगा नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं कहना दिलीप कभी नहीं ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करे उसे ये पहना देना आज मैंने अपनी माँ की वो इच्छा पूरी कर दी डैडी अरे तुम यहाँ कैसे चली आई हमारे कॉलेज का सालाना फंक्शन है मैं टिकट लाई हूँ आपके लिए निकालिए 100 रुपए देखा देखा डॉक्टर अशोक अरे डैडी को लूटने का कैसा अच्छा तरीका निकाला है इन्होंने लो भाई लो एक ही डॉक्टर अशोक भी तो मेरे साथ जाएंगे उनके लिए भी लाई एक आपके लिए और एक आपकी श्रीमती जी के लिए श्रीमती जी अभी तक ये शब्द घर की शोभा नहीं बन सका वैसे ये बताइए कि आप भी स्टेज पर हिस्सा ले रही हैं कि नहीं ओ शी इज अ लीडर ले ले फिर तो मैं 2 टिकट्स खरीदूंगा दो क्यों एक मेरे लिए और एक मेरे अजीज तरीन दोस्त के लिए ये लीजिए थैंक यू बाय डैडी बाय बाय चल ब्राउन कलर
सर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या झगड़ा है? झगड़ा दिलीप और राकेश का है सर। सर आप तो जानते हैं पूरे कॉलेज में दिलीप से अच्छा कोई संगीतकार नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टेज पर दिलीप हमारे ग्रुप का लीडर बने। यस सर। ऑब्जेक्शन सर। किस बात पर? हर साल दिलीप को चांस मिलता है गाना गाने के लिए, इस साल किसी नई लड़की को चांस मिलना चाहिए सर। व्हाट डू यू से शीला देवी? देयर इज अ पॉइंट देयर। अगर ऐसा कोई लड़का है जो माला के डांस का मुकाबला कर सके। क्यों नहीं, मैं जो हूं। इस तरह हंसी नहीं उड़ाया करते। और सुनो, मैं राकेश को लड़कों के ग्रुप का लीडर बनाता हूं। इत्तदाए इश्क है रोता है क्या? बच्चू आगे आगे देखिए होता है क्या। किस्मत पर बादल बनकर माला की होठों पर जवानी बनकर गाऊंगा, मोहब्बत के ताने गाऊंगा। जवाब नहीं सामने दिलीप की है और तुझे चुआ चुआ। ठीक का वो चुआ तो माला के साथ आ, सबके सामने माला को अपने सीने से लगाऊंगा। वो मेरी आंखों में होगी, मैं उसकी आंखों में होऊंगा। दिल से दिल मिल रहे होंगे और दिलीप का दिल जल जल कर कबाब हो जाएगा, कबाब हो जाएगा। मगर कबाब में हड्डी का क्या होगा? अरे किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला कर ये छपड़ गए। चलो यार। ए विश यू बेस्ट ऑफ लक। यार ये गंजा तो रांझा बन गया और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। छाता है तेरे पास? छाता? हाँ चल मेरे साथ, चल जल्दी। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर, तुझको जाना। ये प्यार है गहरा सागर, है चूक के तुझको जाना। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। किस्मत चमके, अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली, किसे समझाने। वो दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर, है चूक के तुझको जाना। दिल पर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। दिल पर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़।
छोड़ दिल भर जाने ना देना पल्ला छोड़ 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 ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना दिल भर जाने ना देना दिल छोड़ 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 दिल भर जाने ना देना दिल छोड़ छोड़ अशोक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? बड़ी अच्छे इंसान है डैडी, खूबसूरत भी है और शरीफ भी। उनके साथ तो कोई भी लड़की शादी करना अपनी खुशनसीबी समझेगी। कोई भी लड़की? तुम क्यों नहीं? जी बात यह है कि... क्या बात है बेटी, मालूम होता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जी बात यह है। बोलो। कि मैं किसी और को पसंद कर चुकी हूँ। तुम किसी को पसंद कर चुकी हो? तुमने तो कुछ बताया नहीं, कौन है वो खुशनसीब? मेरे साथ ही पढ़ते हैं डैडी, उनका नाम दिलीप है। गरीब जरूर है लेकिन बड़े ही अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत चाहते हैं। आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे डैडी। क्यों नहीं मैं जरूर मिलूंगा, उन्हें कल ही बुला लो। सच? हाँ। अरे माला तुम? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझसे? मुझे कब प्यार से बुलाओगे? 5 महीने का भाड़ा चढ़ गया है, अगर अभी भी नहीं मिला तो मकान से बाहर कर दूंगा। हाँ। अरे छगन चाचा जैकपॉट लगने तो सब पैसा भर दूंगा। क्या बोले? जैकपॉट। जैकपॉट। हाँ माला बोलो क्या पियोगी? तुम तो जानते ही हो मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी बढ़िया चाहिए। अब भी तैयार हो जाएगी माला, तुम यहाँ मत आया करो। जब तुम यहाँ आती हो तो लोग आके फाड़ फाड़ कर तुम्हें देखते हैं। देखते हैं तो देखने दो, जहां तुम रहते हो वहां मैं जरूर आऊंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं। क्या मुसीबत है? अरे खिड़की क्यों बंद कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? सोचते हैं तो सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़े बेपरवाह हो गए हो। तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और इस वक्त तो ये झोपड़ा भी मुझे महल नजर आ रहा है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओफ़ो, इस रोमांटिक मूड में तुम कहाँ डैडी को याद कर रही हो? लेकिन दिलीप, डैडी को मिलना जरूरी है। न जाने क्यों उसे मिलते हुए मैं घबराता हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है, तुम उनके होने वाले दामाद हो और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर मेरी हालत देखकर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाए तो मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं दिलीप, वो ऐसे नहीं है, बड़े अच्छे इंसान है, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगे। है रिये, आप कहाँ जा रहे हैं? राय साहब से मिलना है। डैडी, मालूम होता है आज आप कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं। हाँ बेटी, अगर ये सौदा कामयाब हो गया तो समझो कि अपनी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अच्छा, I wish you the best of luck, डैडी। थैंक यू। सरकार, मिस्टर दिलीप आए। आगे? आओ दिलीप, आओ ना, रुक क्यों गए? न जाने क्यों इस कीमती कालीन पर पैर रखते हुए मुझे कुछ खौफ सा लगता है। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, आओ। डैडी? नमस्ते। नमस्ते। जब से माला ने आपका जिक्र किया है आपसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन था। ये मेरी खुशनसीबी भी है माला, मैं इनसे जरा गले में बात करना चाहता। ओके डैडी, दिलीप मुझसे मिलकर जाना।
Sit down, please. कहाँ रहते हैं आप? जीवा के गेस्ट हाउस में रहता हूँ. और आपके माता पिता? मैं इस दुनिया में अकेला हूँ. करते क्या हैं आप? मैं कलाकार हूँ राय साहब. बाजूब. माफ कीजिए, एक बात पूछना बहुत जरूरी है. कितना कमा लेते हैं आप? जी मैं 200-300 रुपये महीना. 300? 300 रुपये तो माला के कुत्तों का खर्च है. ये सच है कि आपने कुत्तों को इंसान से ऊंचा दर्जा दे रखा है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटे. माला की एक मामूली ख्वाहिश पर इस घर में हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं. माला को हमेशा खुश रखूंगा. क्या तुम माला से सचमुच प्यार करते हो? क्या आपको मेरे प्यार पे शक है? शक ही नहीं, यकीन है. जब माला जिंदगी की शक्तियां नहीं झेल सकेगी तो उसकी मोहब्बत मिट्टी में मिल जाएगी. हमारी मोहब्बत पानी का बुलबुला नहीं रहा साहब, के पैदा हुआ और मिट गया. दौलत के बगैर हर चीज मिट जाती है. तुम्हारे पास है क्या? नजर न जमीन. महलों के ख्वाब मखमल ओढ़ कर देखे जाते हैं, टाट ओढ़ कर नहीं. मेरे सब्र का इम्तिहान न लीजिए राय साहब, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जवाब से आपका वजूद हिल जाए. और अगर आपको माला के लिए पति नहीं बल्कि लखपति चाहिए तो मैं ये भी बनकर दिखा दूंगा. यही तो मैं चाहता कि तुम बड़े आदमी बनो, बड़ी से बड़ी सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत हो, ताकि मैं अपनी बेटी को तुम्हें देने में फख्र महसूस करूं, और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं. सोच क्या रहे हो? ले लो, मैं ये रुपए तुम्हें दहेज के हिसाब से दे रहा हूं. ये क्या? एक कलाकार कर्ज लेकर व्यापार नहीं करता राय साहब, लेकिन बैग में जरूर ले जाऊंगा, ताकि जिस दिन इस बैग में आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीजें दौलत, इज्जत और शौहरत भरकर लाऊं, तो आपको ये दिन याद रहे राय साहब. फूल मत जाइएगा. दिलीप, जाने से पहले माला से तो मिल लो. नहीं डैडी, दिलीप ऐसे क्यों चला गया? ऐसी क्या बात हुई? तो आपका बैग लेकर क्यों चला गया? बेटी, अगर उसे सच्ची मोहब्बत है तो जरूर वापस आएगा. मैं कुछ समझी नहीं. राय बहादुर महेंद्र प्रताप की बेटी को बहुत समझदार होना चाहिए. हुजूर, सौदा सस्ता ही पड़ गया, वरना ये लोग बड़े घर की बेटी को पांच कर पूरी जायदाद के मालिक बन जाते हैं. खामोश, हर बात में अपनी राय मत दिया कीजिए. यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है. अरे यार, मजा आ गया, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई. अच्छा हो गया तुम आज आ गए. तुम अगर नहीं आते मैं तो तुम्हें रुपये मनी ऑर्डर करने वाला था. रुपये? अरे भाई, कल एक फॉरेनर आया था, उसने तुम्हारी पेंटिंग्स को न जाने कौन से ऐसे सिनेमा स्कोप एंगल से देखा. उसने दाम पूछा, पैसे दिए, जैसे कि मैं दे रहा हूँ. ये लो 500 रुपये, ये लो, ये लो. क्या बात है, तुम तो बिल्कुल देवदास बने बैठे हो. आज से मेरी मोहब्बत का इम्तिहान शुरू हुआ है, और मुझे अपनी मोहब्बत को कामयाब करने के लिए दौलत, इज्जत और शौहरत कमाना है. दैट इज अ गुड बॉय. मैं इसलिए तो बोलता था कि दिल्ली चलते हैं अंकल के पास, उनके छठ अंकल कंपनी में काम करेंगे. तो यार फिर सोचते क्या हो, जल्दी से सामान बांधो, 11 बजे की ट्रेन है, मुझे स्टेशन पे मिलो. प्लीज नाउ, हरी अप नाउ. शाबाश शाबाश. जल्दी हो, जल्दी आओ. सुनो, तुम अपनी हाफ पैंट बांधो और मालगाड़ी से दिल्ली आओ. क्यों साहब? तुम जानते नहीं हो हमारी कंपनी हालत क्या है. जाओ फूल. That's a lovely girl. Now I'm going to meet you on the lane. You sweet Billy. डर्बी के घोड़ी फूल जाते खानदान का कहता है, उसकी माँ कभी 2400 मीटर तक गई नहीं और उसका बाप जिंदगी भर 1200 मीटर में ही दौड़ता रहा. क्या समझे? तो फिर घोड़ी नहीं जीतती. ठहरो, ये देखो, ये घोड़ी जरूर जीतेगी. सब बेच बात के लगा दो, मॉड बेच करके लगा दो. क्या समझे? 100% लगा दो. चलो यार, सब बेच के लगा दें. अच्छा यार, लगा ही देते. क्यों भाई, तुम भी रेस ना जा रहे हो क्या? नहीं, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ. ऐ तो उसमें 5 महीने का भाड़ा. ये लो तुम्हारे 5 महीने का भाड़ा. जैकपॉट लग गया क्या? इतने रुपया कहाँ से आए? पैसे कहीं से भी आए हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, हमें क्या मतलब.
सट्टे से आए, मटके से आए या रेस से आए, लॉटरी से आए, हमें क्या, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। हेलो दिलीप। हेलो राकेश, कहाँ जा रहे हो यार? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कम ऑन। क्या देख रही हैं आप? दिलीप कहाँ गया? घोड़ा भाग गया तबेला खाली। क्या मतलब? पहले तो ये हालत थी, दो दो रुपया मुझसे उधार मांगा करता था, आज इतने रुपया उसके पास आए हैं कि 5 महीने का किराया देकर खोली छोड़कर चला गया। पता नहीं जैकपॉट मिला या लॉटरी। आप बता सकती हैं इतने रुपये उसके पास कहाँ से आए? माला ने कुछ भी नहीं कहा? माला बिचारी को तो कुछ भी पता नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। क्या बात है दिलीप, कहाँ जा रहे हो? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल अशोक, क्या बात है दिलीप? जिस लड़की को मैं चाहता हूँ आज मैं उसके घर गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी गरीबी मेरी मोहब्बत के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। जानते हो उसके पिताजी ने क्या कहा? क्या? उन्हें दौलत चाहिए। कितनी दौलत चाहिए? जितनी भी दौलत चाहिए मैं उसे दूंगा। लेकिन दिलीप, जो प्यार दौलत की तराजू में तोला जाए वो प्यार प्यार नहीं, व्यापार है। इससे तो अच्छा होता अगर लड़की बाप के खिलाफ हो जाती। ये मैं नहीं चाहता कि लड़की बाप के खिलाफ हो जाए। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? क्या नाम है उसका? मुझे बता बेटा, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे ले आऊंगी। मुझे ले चलो वहाँ। अब वहाँ चलना बेकार है माँ जी। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने कसम खाई है कि अपनी मेहनत से, अपनी कला से दौलत कमाकर अपनी मोहब्बत को हासिल करूंगा। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ जी। क्या आप दिलीप को तलाश कर रही हैं? हाँ, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो इस वक्त ट्रेन में बैठा हुआ नोट गिन रहा होगा। नोट? हाँ रुपया, मैं खुद उसे स्टेशन छोड़कर आया हूँ। वो हमेशा के लिए बॉम्बे से चला गया। ये गरीब लोग होते ही ऐसे, इन्हें पैसा चाहिए प्यार नहीं। अब उसे भूल जाओ माला, हमेशा इंसान को अपने हैसियत के लोगों से प्यार करना चाहिए, जैसे कि मैं। चलो तुम्हें कॉफी पिलाऊं, चलो। पहले तो ये हालत थी, दो दो रुपया मुझसे उधार मांगा करता था, आज इतने रुपया उसके पास आए हैं कि 5 महीने का किराया देकर खोली छोड़कर चला गया। पता नहीं जैकपॉट मिला या लॉटरी। आप बता सकती हैं इतने रुपये उसके पास कहाँ से आए? राय बहादुर महेंद्र प्रताप की बेटी को बहुत समझदार होना चाहिए। क्या हुआ? महाराज जी बेहोश हो गई। सरकार, दिलीप की चिट्ठी माला के नाम। खान साहब बीमार नहीं आएंगे। खान साहब नहीं आएंगे।
बना रहे तो फिर आज मेरी यहाँ से आरती ही निकलेगी। अंकल फिक्र मत करिए, मैं आपकी अर्थी को पब्लिक को नहीं उठाने दूंगा। तू चला जाए यहाँ से, फिर क्यों आ गया? प्लीज एक चांस और दीजिए, मैं एक नया कलाकार और लाया हूँ। मैंने तुम्हें चार चार चांस दिए, तुम्हारे भिजवाए हुए चारों कलाकार आज अस्पताल में पड़े, अब मेरी बारी है। टूटी कुर्सी। अंकल अंकल बताइए मत, मेरा जादू देखिए, पब्लिक मुझे देखते ही खुश हो जाएगी और हरे कृष्ण करेगी, राम नाम सत्य कहेगी। बताइए मत, मैं अपना जादू चला के अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बीवियों, अरे यहाँ तो किसी की बीवी नहीं है, मालूम होता है आप सब लोग मेरी तरह कुंवारे हैं। क्या ये भी कुंवारा है? एक और फेंक दीजिए, जोड़ा बन जाएगा। ओह अंडा, ये तो कच्चा अंडा है, अगर आपने उबला हुआ फेंका होता तो मेरे नाश्ते के काम आ जाता है। ये मेरी बात सुनिए भाइयों, अब मैं आपके सामने एक महान कलाकार को पेश कर रहा हूँ जिन्हें मैं बम्बई से लाया हूँ। बम्बई से? हाँ बम्बई से लाया हूँ, कुमार साहब को लाया हूँ। कुमार? कौन सा कुमार? कौन सा कुमार? अरे भाई अपना कुमार, अपना घर का कुमार, दिलीप, दिलीप कुमार। खड़िए मैं अभी पेश करता हूँ, शांत रहिए अभी लाता हूँ। क्या जूतों, अंडों और डंडों की बारिश हो रही है, इन सब सामान से तो हम लोग सहकारी भंडार खोल सकते हैं। अंकल को गाने के लिए जाने दीजिए वरना फर्नीचर की बारी है। तू भी थोड़ा भौंका, जा तुड़वा ले अपनी हड्डियां, बचा ले मेरी कुर्सियां, चढ़ जा बेटा सूरी जी अल्लाह का नाम। बड़ा दिलीप कुमार बनता है, हम सबको बेवकूफ बनाता है, छोटा कलाकार है ये, धक्का धोखेबाज। मैं तो नहीं गा रहा हूँ भाई, नफरत से जिन्हें तुम देखते हो, तुम मारते हो जिनको ठोकर, क्या उन पे गुजरती है देखो, एक बार कभी घायल होकर। जमाने की आंखों ने देखा है यारों, जमाने की आंखों ने देखा है यारों, सदा अपनी दुनिया में ऐसा नजारा, कभी उनको फूलों से पूजा है सबने, कभी उनको फूलों से पूजा है सबने, कभी जिनको लोगों ने पत्थर से मारा, जमाने की आंखों ने देखा है यारों। खुद मरे किसको जन्नत मिली है,
बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है, बिना दुख सहे किसने जीवन संवारा। जमाने की आंखों ने देखा है यारों, पीछे हटे हैं डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया, डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया। जो तूफान से टकरा के आगे बढ़े हैं, जो तूफान से टकरा के आगे बढ़े हैं, बिना कोई मांझी बिना ही खिवैया, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर, हमेशा ही उनको मिला है किनारा। जमाने की आंखों ने देखा है यार। सबक दोस्ती का सिखाते हुए जो लहू में नहाया, मसीहा बना और गांधी बना वो, हजारों दिलों में यहां घर बनाया, उन्हीं की बनी है यहाँ यादगार है, उन्हीं की बनी है यहाँ यादगार है, उन्हीं का जहाँ में चमका सितारा। जमाने की आँखों ने देखा है यारों, सदा अपनी दुनिया में ऐसा नजारा। माँ यह है माला, राय साहब की बेटी जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। नमस्ते। अशोक तो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करता रहता है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई तुम हमारे घर आ गई। बैठो ना। तुम यही ठहरो बेटा, मैं माला के लिए कुछ ले आऊं। क्या सोच रही हो? माता जी की ये हालत कब से है? जब मैं 15 बरस का था उस वक्त कार के एक्सीडेंट में पिताजी का देहांत हो गया और माँ पैरों से लाचार हो गई। यहाँ किस्मत को मानना ही पड़ता है। साइंस चाहे कितनी ही तरक्की करे मगर कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस है। इंसान चाहे कितनी ही कोशिश करे मगर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। सच कहते हैं। निकला है भाई, अपने को कुछ समझ में नहीं आता भाई, क्या है ये? Helen, I would like to present his artist, Kumar Sahib, on 5 TV program. अरे कुमार साहब तो किधर टीवी करता है भाई? अब समझे नहीं, टीवी नहीं टेलीविजन। वो क्या होता है? टेलीविजन घर में रेडियो के साथ में दिखाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, घर में रेडियो के साथ सिनेमा। तुम अंग्रेज लोग क्या क्या करता है भाई है? आपके आर्टिस्ट कुमार साहब को टेलीविजन के 5 प्रोग्राम में ये पेश करना चाहते हैं। करो, जरूर करो, जरूर करो, करो पेश करो, 5 करो। मगर अल्पानी था नहीं वो है, does he want what है? He means money, money, money. Oh, 760,000. 60,000 रुपए? 60,000? 70,000. 70,000 रुपए? 70,000?
20,000 पेश के लिए। अरे वाह, बिल्कुल नए लगते घर से बना के लाए गए। अरे पहले गिनने तो दे। साइन कीजिए, साइन कीजिए, क्या साइन कीजिए, साइन कीजिए। बराबर, ठीक है। Does he know what he's doing? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? अरे हमको मालूम है, हम अंगूठा करते हैं और क्या करते हैं? इधर नहीं तो यहाँ आकर तुम बोलता है, इधर तो हम इधर करते हैं। आपका पहला प्रोग्राम इस महीने की 25 तारीख। अब मेरा पहला प्रोग्राम, अब मेरा किधर? आपके आर्टिस्ट कुमार साहब का। हाँ मंजूर मंजूर, फॉरगेट नॉट, फॉरगेट नॉट, फॉरगेट नॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। ये भाई पार्टी का पैसा मिल जाएगा, भरोसा रखो। तुमको भी कमीशन मिलेगा, ये सफेद मुर्गे को जाने मत देने का। जाने नहीं दूंगा। आज बहुत दिनों के बाद इतना हंसी हूँ। तो फिर मेरा इनाम? इनाम आपको तो तोहफा मिलना चाहिए, कहिए क्या चाहिए आपको? ऐसा इनाम जिसे देखकर मेरी माँ के चेहरे पर बिल्कुल ऐसी हंसी आ जाए। अगर आपको आपकी माँ का इतना ख्याल है तो उनकी दिली ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते? ऐसी लड़की मिली नहीं जिसके गले में मैं अपने जीवन की माला पहनाता। जिन्हें शादी नहीं करनी होती वो आप ही की तरह बहाना बनाते। नहीं माला, कोई बहाना नहीं। बहाना नहीं तो और क्या, आप जैसे इंसान को लड़कियों की क्या कमी? मैं समझती हूँ आप शादी के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पाते, है ना? आज तक आपके जीवन में कोई ना कोई तो लड़की आई होगी, किसी को तो पसंद किया होगा आपने। एक लड़की पसंद आई है, लेकिन डरता हूँ कहीं वो इनकार ना कर दे। हो सकता है वो इनकार ना करे। हाँ कर दे, कह दीजिए उसे, देर ना कीजिए। कभी कभी देर करने से पास की चीज बहुत दूर जाती है। इंसान के मन का क्या भरोसा, कब बदल जाए? और फिर मन बदलने में देर ही कितनी लगती है। अगर आपने देर कर दी तो उस लड़की को खो देंगे। माला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे और मेरे बीते हुए दिनों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको नहीं मालूम मेरी गुजरी हुई जिंदगी एक अंधेरी रात की तरह है। सुबह का सूरज रात के बारे में नहीं सोचता है माला। रात अंधेरी होती है, इसीलिए सुबह इतनी खूबसूरत है। तुम मेरे सामने सच्चाई की एक पवित्र मूर्ति की तरह हो, और बीते हुए दिनों ने तुम्हें और खूबसूरत बना दिया है। मां का ये आशीर्वाद मैं वापस नहीं ले जा सकता माला। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ माँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? बहुत जल्दी तुम्हारे घर में बहू आने वाली है। बहू? हाँ। मेरे घर में बहू आएगी? हाँ माँ। तेरे मुंह मेरी शक्कर, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं एक खुशखबरी सुनाती हूँ तुझे। एक और खुशखबरी? हाँ, दिलीप का खत आया है। कहाँ है वो गधा? दिल्ली में। क्या कर रहा है? अब तो वो बहुत बड़ा संगीतकार बन गया है, कुमार साहब के नाम से मशहूर है। अच्छा, तो वो गधा कुमार साहब के नाम से बहुत बड़ा संगीतकार बन गया है। मैं अभी उसे खत लिखकर बुलाता हूँ। माँ तुम्हें मालूम है तुम दोनों ने शर्त लगाई थी कि अगर मेरी शादी पहले हो गई तो उसे शहनाई बजानी पड़ेगी। तब तो जल्दी बुला लो उसे। मैं उसे अभी बुलाता हूँ माँ। आप लोग बजेंगे शंखेंग जलजीरा नीरा बॉय 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 तुम मुझे रात को 2 बजे मिलना, तुम सुबह 4 बजे मिलना। वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
अंकल मुझे माफ करना, मुझे आने में जरा देर हो गई। अनाथालय से कुछ लड़कियां आई थी चंदा मांगने के लिए, मैं उनको आपसे दूर भगा रहा था। अरे बेवकूफ, तू तो लड़कियों के चक्कर में फंस गया। तुझे शायद मालूम नहीं कि तुम्हारा जो दोस्त दिलीप है ना, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया। मुर्गी बन गया? कब, क्यों, कहां? I'm very sorry to hear it, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं उसको आदमी के रूप में छोड़ के आया था, मुर्गी कैसे बन गया वो? अरे मैं तो मिसाल दे रहा था उल्लू, मैंने दिलीप के लिए 1,00,000 रुपए का एग्रीमेंट साइन किया। अंकल कहीं आज ज्यादा मिक्सअप करके तो नहीं पी ली? मिक्सअप करके पी ली तो ये देख ला। अंकल मेरा दाना पानी नहीं तो इनकम टैक्स। ये तो क्या है, 100 रुपए का, और दीजिए और दीजिए। बातो आखिर मैं आप ही का भतीजा हूँ तो भतीजा बन के रहे, चाचा क्यों बनता है? और निकालिए। ये एक और ले, याद रख। हाँ हाँ, दिलीप को हाथ से मत जाने देना, अगर वो हाथ से चला गया अपन दोनों खाली हाथ रह जाएंगे। अंकल ना मैं उसको जाने दूंगा ना मैं आपको जाने दूंगा। मैं अंकल चलो अंकल कौन है? कुमार साहब का है, मैं अभी देख के आता हूँ। अरे नहीं, पता नहीं कोई दूसरी पार्टी उसे फांस रही होगी तो। पढ़ तो। कुमार साहब के बच्चे, तुम्हारी कामयाबी का पढ़कर बहुत खुशी हुई और तुम्हें भी ये पढ़कर खुशी होगी कि 25 तारीख को मेरी शादी है और तुम बंबई जरूर पहुंचोगे। तुम्हारा अशोक। अरे 25 को ही तो प्रोग्राम है और मैं एडवांस। ये चिट्ठी वहां तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चिट्ठी नहीं जाएगी, मैं जबानी जाके बोल देता हूँ। नहीं तुम्हें अपना मुंह भी बंद रखना होगा। ठीक है, मैं मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन जरा दाना पानी। हाँ ये ले भतीजे तेरा पानी। ये हुआ ना, चलो पानी और है जरा, और निकाल दीजिए पानी पूरी भी कुछ। हेलो दिलीप बेटे, कैसे तबीयत है बेटा? देखो मैंने तुम्हारा एक गाता हुआ फोटो रेडियो पर छपवाने का फैसला किया है, अब तुम दुनिया के चलते फिरते कलाकार बन जाओगे। मैंने चलता फिरता सर्कस का तो नाम सुना था, मगर ये चलता फिरता कलाकार। मैंने एक छोटा सा एग्रीमेंट अंगूठे से साइन किया है, बहुत ही छोटा है, सिर्फ 1,000 15,000। बेटे दिलीप काम से मुझे भतीजा बनाकर बना दिया चुकर, जैसे तूने मुझे एक्टर से बना दिया नौकर। चुकर तो हमेशा अपना रोना रोता ही रहता है। देख अंकल दिलीप को कैसे बना रहे हैं। कितने पैसे देंगे आप मुझे? 15,000 एक एक प्रोग्राम के। 3,000-3,000। 3,000-3,000 मेरे लिए बहुत कम है। बहुत लालची हो गए हो बेटा। तुम महाकलाकार हो और एक कलाकार को सिर्फ कला से प्रेम करना चाहिए, पैसे से नहीं। इसी पैसे के लिए मैंने घर छोड़ा और अपनी मोहब्बत से जुदा हो गया। ऐसे ही दुनिया में सब है। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिससे मैं अपनी मोहब्बत खरीदूंगा। अरे गिरता क्यों होते हो बेटा, धीरज रखो, पैसे भी दूंगा। अरे जरूर दूंगा। तो दे दीजिए ना 50, फिर भी बचते हैं 50 आपके पास। अरे तू जरूर मेरा दिवाला निकलवाएगा। लो बेटा, मैं आपसे 50,000 से कम नहीं लूंगा। अरे 50,000 दूंगा मेरे बाप, एक प्रोग्राम के 10,000। मेरा पहला प्रोग्राम 25 तारीख को है, ये 25 तारीख मत भूलना। लो लो बेटा, मैंने तो अंगूठा किया, अगर तुम तो शायद पढ़े लिखे हो ना। अरे देखा भतीजे, हमारा बेटा दिलीप कितना सुलझा हुआ कलाकार है, प्रोग्राम की कितनी चिंता है, हमारे आने से पहले ही तैयार हो गया। हेलो कुमार साहब, हेलो कौन? अशोक। अरे कुमार साहब के बच्चे। अशोक तू अभी तक वही है? पता भी है कौन सी तारीख है? बच्ची क्यों? आज मेरी शादी का दिन है। शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? आज तुम्हारी शादी है और तुम मुझे अभी खबर दे रहे हो? मैंने तुझे खत लिखा था, इनविटेशन कार्ड भी भेजा था। खत भी लिखा और इनविटेशन कार्ड भी भेजा? मुझे कुछ नहीं मिला, मगर मैं तुम्हारे शादी में जरूर पहुंच रहा हूँ। शहनाई लाने भूलना मत, याद है वो शर्त? हाँ हाँ याद है, मैं जरूर शहनाई बजाऊंगा।
मैं अभी इसी वक्त प्लेन से रवाना हो रहा हूँ। जल्दी आ जा। प्रोग्राम का क्या होगा? अरे ये कैसे हो सकता है? एंड वक्त पर प्रोग्राम कैंसिल करते हो। मैं उन लोगों से एडवांस ले चुका हूँ, अब मैं उनको क्या कहूंगा? कह दे रहा मैं बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मगर मैं अपने दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा अधिकार भी नहीं, मेरा हुक्म भी नहीं, मेरा एग्रीमेंट भी नहीं, तो जरूर रोके। इसी की वजह से तुमने अपना घर छोड़ा, इसी की वजह से तुम अपने प्यार से जुदा हुए। लो उठाओ और खरीदो अपने प्यार को। लो सारी दुनिया इसके पीछे भागती है, तुम भी भागो। उठाओ, भूल जाओ अपनी दोस्ती को, जितना उठा सकते उठाओ, यही मौका। आज तक तुमने हर चीज दौलत से खरीदी है और आज मेरी दोस्ती को भी खरीदना चाहते हो? सेठ, ये कागज के टुकड़े तो क्या, इस वक्त अगर तुम दुनिया की सारी दौलत भी मेरे सामने डाल दो तो मैं टुकड़ा कर चला जाऊंगा। मुझे बॉम्बे के लिए एक टिकट चाहिए। I'm sorry, the plane is just leaving. आज रात को दूसरा कोई प्लेन है? जी कोई नहीं। प्लीज किसी भी तरह प्लेन को रुकवा दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जितना भी पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली है, अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज रात को 8 बजे स्पेशल प्रोग्राम में संगीतकार कुमार साहब अपने दोस्त की शादी के मौके पर एक गीत पेश करेंगे। संगीत के चाहने वालों, आज मेरे दोस्त की शादी है और मुझे अफसोस है मैं उनकी बारात में शामिल न हो सका। मेरे दोस्त का इंतखाब जरूर कोई चांद होगा, वो फूलों का रूप, बहारों की रानी होगी, जिसने मेरे दोस्त का दिल जीत लिया। आज मेरे गीत का उन्वान है कल्पना। मेरी ये कल्पना उसी खुशनसीब लड़की के लिए है। हारेगा जब कोई बाजी, तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन कामी। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की,
हुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के, इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए, ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए, ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं। सरकार सरकार कुमार साहब आए हैं। कुमार साहब? कौन कुमार साहब? अरे साहब, हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार संगीत के एसनी कुमार साहब आपसे मिलने आए हैं। आप जरा उनकी खातिर तो आर्ज़ू का बंदोबस्त कीजिए। जी कितनी खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार हमारे घर आए हैं। दिलीप, आज हिंदुस्तान मुझे कुमार साहब के नाम से पहचानता है। कुमार साहब? लगता है मुझे देखकर आप कुछ उलझन में पड़ गए हैं। नहीं नहीं, आइए बैठिए। राय साहब, आपने मेरे और माला के दरमियान जो फासला बना दिया था, इस निशानी को पहचानते हैं आप? यही चाहिए था ना आपको, दौलत इज्जत और शौहरत? मैंने कसम खाई थी कि आपको ख्वाबों को पूरा कर रहूंगा। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। माला को बुलाइए। आप बुलाते क्यों नहीं? कहां है माला? आप खामोश क्यों हैं? कहीं माला को कुछ हो तो नहीं गया? उसे भूल जाओ दिलीप, माला की शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? ये क्या कह रहे हैं आप, माला की शादी हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माला किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं राय साहब, भगवान के लिए कह दीजिए कि आपने जो कुछ कहा है झूठ कहा है, गलत कहा है। ये मेरी इज्जत, ये शौहरत, ये कागज के टुकड़े, ये आप ले लीजिए। मेरी माला मुझे लौटा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी मुझे दे दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए राय साहब, मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ, मैं आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ राय साहब, मेरी माला मुझे लौटा दीजिए। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे मन मंदिर में है। समझी? समझी, लेकिन चाय ठंडी हो रही है। माला, मैं कितना खुशनसीब हूं
तुम्हारी जिंदगी में आया, तुम्हें देखा और तुम्हें जीत लिया। मगर इस जीत खुशी में जब मुझे चेहरा याद आता है तो मैं उदास हो जाता हूं। किसका चेहरा? मेरे दोस्त का। वो भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था मगर उसने वादा करके शादी नहीं की क्योंकि वो गरीब था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता माला कि एक इंसान प्यार करके इनकार कैसे कर सकता है। माला, अगर तुम उस लड़की की जगह होती तो क्या तुम भी ऐसा कर सकती थी? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। माला, ये देखो मेरे दोस्त की तस्वीर। हेलो हेलो, टर्न कॉल फ्रॉम बॉम्बे। यस, डॉक्टर अशोक स्पीकिंग। हेलो, कौन? डॉक्टर अशोक, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ भाई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आनंद, ये अचानक टर्न कॉल कैसे? अरे भाई, वो अपने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में लंदन से सर हैरी प्लेट आने वाले हैं। क्या, लंदन से कल सर हैरी प्लेट बॉम्बे पहुंच रहे हैं? तब तो हमारी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस जरूर कामयाब होगी। हाँ भाई, तुम जरूर आना। जन डॉक्टर, माला, मेरा बॉम्बे जाना बहुत जरूरी है। आप जरूर जाइए। डॉक्टर, मैं आज ही रवाना होता हूँ। थैंक यू। आपके महबूब हरदे लतीफ और हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार कुमार साहब को पेश कर रहे हैं। कुमार साहब। कुमार साहब पेश करेंगे नगमाए दिल। तुझको आज बताना होगा क्या थी वो मजबूरी, साथ उम्र भर का देना था, दे दी उम्र भर की दूरी। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे, तूने कहा था खाकर कसमें सदा निभाएंगे प्यार की रस्में, तू और की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी, तू और की क्यों हो गई। प्यार की मस्ती तूने न चाही, तूने तो चाहा चांदी का प्याला, आंसू किसी के क्या तू पहनती, तुझको पहननी थी मोती की माला, हो तुझको पहननी थी मोती की माला, पग पग पर विश्वास के बदले छला करेगी तुझको शंका, आग के लपटों में लिपटी है ये तेरी सोने की लंका, तू औरों की क्यों हो गई, तू
हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई, साधन मेरी याद को भुला सकेंगे, मेरी याद जब नींद उड़ा देगी क्या ये तुझको भुला सकेंगे, हो क्या ये तुझको सुला सकेंगे। साधन में सुख होता नहीं है, सुख जीवन की एक कला है, मुझसे ही छल किया न तूने, अपने को तूने आप चला है। तू और की क्यों हो गई, तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई। देखी छोड़ के चल दी मुझे अकेला, हो छोड़ के चल दी मुझे अकेला, तेरी जुदाई मेरी चिता है, हम की चिता में मैं जल रहा हूँ, मन मेरा दहके मरघट जैसा, अंगारों पे मैं चल रहा हूँ। तू औरों की क्यों हो गई, हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई, तू औरों की क्यों हो गई, तू औरों की क्यों हो गई। ये नाटक क्यों कर रहे हो? जो नाटक तुमने मेरी जिंदगी के साथ किया है, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं समझती। हद से आगे मत बढ़ो, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी मांग के सिंदूर का यह मतलब नहीं कि तुम मेरे सवाल का जवाब न दो। जितनी तुम्हारी यह सिंदूर की रेखा सच्ची है, उतना ही सच्चा मेरा प्यार है। प्यार? तुम्हें जिस चीज से था तुम डैडी से ले गए थे। क्या दिया था तुम्हारे डैडी ने? दौलत। ये झूठ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारे हाथ में डैडी का बैग था, उसमें और उसमें रुपए नहीं था, उसमें अपमान था। तुम्हारे डैडी को दौलत चाहिए थी, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं उस दौलत को कमाने चल पड़ा। तो फिर मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि जिस दिन मैं दौलत इज्जत और शौहरत कमा कर लाऊंगा तभी मैं तुमसे मिलूंगा। अगर यही बात थी तो तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं हमेशा खत लिखता रहा मगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम खत लिखते रहे? हाँ, लिखता रहा लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं मिला।
माना कि तुम्हें नहीं ला, मगर तुम इंतजार तो कर सकती थी, अपने प्यार पे भरोसा तो रख सकती थी। जो इंसान अपने प्यार के कस्मे, वादे, सब कुछ भूल सकता है, अब उससे क्या बात करना। दिलीप, दिलीप, अब तुम मुझे क्यों बुला रही हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? यकीन करो दिलीप, मेरे सामने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर बताया गया। कितनी अजीब बात है, कल तक जो अपने थे आज पराए हैं। हमने कितने ही सपने देखे थे, कश्मीर में तुम्हारी ये खूबसूरत पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन आज आज जिंदगी के मोड़ पर हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। माला, तुमसे दूर चले जाने से पहले मेरी एक तमन्ना है, यकीन है तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं तुम्हारी एक पेंटिंग बनाना चाहता हूं, एक यादगार पेंटिंग। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अब यहां से चलना चाहिए। तूफान तो आ गया। बारिश शुरू हो चुकी है, अंदर आओ माला। नहीं नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। तुम भीग रही हो माला, बारिश रुक जाए तो चली जाना। चलो चलो अंदर चलो। आओ माला, अंदर आओ, मैं टॉवल लेकर आता हूं। मुझे खुशी है दिलीप कि आज तुम एक कामयाब इंसान हो। हाँ माला, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उन दिनों जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं बहुत खुश था, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। माला बोलो क्या पियोगी? तुम तो जानते ही, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी बढ़िया अच्छी। अब भी तैयार हो जाएगी। अरे खिड़की क्यों बंद कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? सोचते हैं तो सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़े बेपरवाह हो गए हो। दिलीप कॉफी बन गई? बिजली गिरी। कहीं तुम्हें डर तो नहीं रहा है? जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? कॉफी तो तुम बहुत अच्छी बनाते हो। दिलीप, किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं, अपने बीते हुए दिन याद आ गए थे। तुम सुना, तुम कैसी हो? खुश तो हो ना? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम? वो मेरे देवता हैं। कभी तुमने भी मुझे ये समझा था? उस रिश्ते को मैंने दोस्ती में बदल दिया है तेरे। कितनी आसानी के साथ तुमने प्यार का रिश्ता भुला दिया। और एक मैं हूँ
ये सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करता रहा। किस्मत के आगे इंसान मजबूर है दिलीप। यह तुम्हारी कमजोरी को छुपाने का एक खूबसूरत बहाना है। अगर तुम किस्मत को इतना ही मानती हो, इतना ही विश्वास करती हो, तो फिर ये क्यों नहीं मानती कि आज किस्मत ने हम दोनों को फिर से मिलाया है। कभी कभी किस्मत इंसान की परीक्षा लेती है। परीक्षा की आड़ लेकर तुम अपनी जबान नहीं छुपा रही हो। मैं जानता हूं आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। माला, हम कब तक यूं तड़पते रहेंगे? आओ हम दुनिया के सब बंधन तोड़कर यहां से कहीं दूर चले जाए। दूर चले जाए? हाँ माला। ये तुम क्या कह रहे हो दिलीप? कैसे पागलपन की बातें कर रहे हो? आज मैं बोझ की बातें करता रहा, मुझे दुनिया से कुछ नहीं मिला। आज अगर पागलपन की बातें से मुझे तुम मिल सकती हो तो मैं पागल बनने को तैयार हूँ। अब तुम्हारा ऐसा सोचना भी पाप है दिलीप। मोहब्बत करना पाप नहीं माला, और मैंने तुमसे मोहब्बत की है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। सब कुछ भूल जाओ माला, सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारा बिना जिंदा नहीं रह सकता। माला तोड़ दो सब बंधन। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने गिर जाओगे। रुक जाओ माला, रुक जाओ, रुक जाओ माला, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। छोड़ दो माला, मुझे छोड़ दो। तुमने क्या किया? इंस्पेक्टर कॉल, एक खून का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। मगर आप यहां क्यों आए? आप वहां क्यों गई? कहां? पहाड़ी बंगले के पास। मैं बाजार जा रही थी। इतने टेढ़े रास्ते से, और शायद आप वहां रुकी भी थी। मेरा स्कार्फ गिर गया था। गिर गया था या गिराया गया था? और रहने के बहाने आप क्या देख रही? कुछ भी तो नहीं। आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ तलाश किया, और आपकी आंखें बार बार किसी का मकान देख रही थी। प्लीज इंस्पेक्टर, ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप इसे पहचानती हैं? या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इसे पहचानती हैं या नहीं? नहीं। जो है, बगैर देखे ही आपने जवाब दे दिया। इसका मतलब है आप इसे जरूर जानती हैं और अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा ना, मैं इन्हें नहीं जानती। मैडम, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी है कि अपराधी अपराध के दूसरे दिन हालात मालूम करने के लिए उस जगह जरूर जाता है जहां उसने अपराध किया है। कोई अनजान निर्दोष भी तो वहां जा सकता है। लेकिन वो लड़की निर्दोष नहीं है।
वो रात भर वहाँ रही, उसने गोली चलाई, वो खूनी है। नहीं नहीं, वो खूनी नहीं, उसने गोली नहीं चलाई, वो निर्दोष है वो। हाँ, तो आप उस लड़की को जानती हैं? नहीं। माफ कीजिए, कल रात आप कहाँ थी? प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप जा सकते हैं। मैडम, कातिल मेरी नजरों में है और हथकड़ी मेरी जेब में, जल्द मुलाकात होगी। योर स्टाफ, गुड बाय। लगता है मेरी तरह तुम्हें मुझे बहुत याद करती रही। माफ कीजिएगा, आप डॉक्टर अशोक हैं? जी हाँ। मुझे आपसे कुछ बातें करनी। कहिए। इन प्राइवेट प्लीज। माला तुम घर चली जाओ, मैं भी आता हूँ। आइए। कब तक बैठी रहोगी? बहुत देर कर दिया आपने। देर तो तुम्हें पहचानने में की। पहचानने में? आज तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा, पवित्रता का ढोंग रचाकर अपने पाप को छुपाती रखी। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर उस तूफानी रात में तुम उसके घर क्यों गई? मैं मजबूर थी। मजबूर थी? प्रेमी के आगोश में सोने के लिए मजबूर थी, अपनी रात को रंगीन बनाने के लिए मजबूर थी। रात भर ऐश करती रही और फिर इस डर से कि कहीं रात खुल न जाए, तुमने उसे गोली मार के हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नहीं, हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, तुमने किया। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। बेवफा खूनी, तुम्हें दिलीप का फोन किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, 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 नहीं। माला, 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 देखो मेरे साथ कौन आया है। रुक क्यों गई? नीचे आओ, ये कोई गैर नहीं, मेरे बचपन का दोस्त दिलीप। आओ माला, नीचे आओ। एक शरीर लड़की ने उसे मारने की कोशिश की, मगर गोली उसके सर से घिसटती हुई निकल गई। जान तो बच गई, मगर अफसोस तो ये है कि इस हादसे से दिलीप अपनी याददाश्त खो बैठा। अब इसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, मगर मैं दिलीप की याददाश्त वापस लाकर ही रहूंगा और उस लड़की को ढूंढकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। Oh, I'm sorry, Inspector. मेरी बीवी माला। Inspector Paul. How do you do, ma'am? उस लड़की की गिरफ्तारी आप ही के जिम्मे है। अब आपके आ जाने से मुझे उम्मीद है वो जिम्मेदारी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। Inspector Paul, क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ यह हादसा पेश आया? क्यों नहीं, कल ही देख लीजिए। आप भी आइएगा मिस अशोक। जी, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? हाँ हाँ माला, तुम ही मेरे साथ चलो। That's fine. अब इजाजत दीजिए। Thank you.
कैसे हो दिलीप? इस जगह पे एक ऐसी चीज जरूर होगी जो दिलीप की याददाश्त वापस ला सकती है। किस्मत ने भी क्या मजाक किया है, दिलीप ने इसकी शक्ल नहीं बनाई। एग्जैक्टली, अगर शक्ल बनाई होती तो हम उस लड़की को कब का गिरफ्तार कर लेते। जी हाँ, मैं वहां से आ रहा हूँ। दो ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके ले आया हूँ जो कुमार साहब के कमरे में दाखिल हो रहा था। हमारे लिए क्या हुक्म है माई बाप? साहब कहेंगे तो छोड़ दूंगा, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। बंद कर देंगे अंकल, आइडिया फुल है। होटल का खर्चा बच जाएगा और यहाँ रात मुफ्त में गुजर जाएगी। क्या हुआ जनाब? ये लड़के तारिक साहब के बाग से अखरोट चुरा रहे थे। हुजूर माफ कर दीजिए, आइंदा चोरी नहीं करेंगे। सर क्या मेरी एक कंप्लेंट है, इन्होंने आते ही मेरा दिल चुरा लिया। मैंने नहीं चुराया, देख लीजिए मेरे पास नहीं है। तो फिर इनके पास होगा। हमारे अवलार हुजूर, ये दोनों लड़के हवालात में बंद कर दो। चलो ठहरो। सर मेरी एक और दरखास्त है, आप अंकल के साथ अंदर निपट लीजिए, मुझे भी इनके साथ हवालात में बंद कर दीजिए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी हवालात की रात। हेलो ब्यूटी। बड़े बदतमीज आप, क्या आप ये भी नहीं जानते कि किसी लड़की से उसकी खूबसूरती का राज नहीं पूछने चाहिए? चुपके से बैठ जाइए, देखते नहीं इंस्पेक्टर साहब आपको कैसे देख रहे हैं। ये बताओ वो खिड़की से कूद के अंदर क्यों गए थे? क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था। तो सच बताओ अंदर जाने का मतलब क्या था? देख यस सर, इसके पेट में जितनी बातें हैं सब बाहर आ जाएंगी। इसकी जरा अच्छी तरह खातिर तवाजु करो। सुनिए, ये खातिर तवाजु का मतलब क्या है? मरम्मत। बाप रे। लीजिए चलेगा। ये क्या, तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? मैं तो छोटा मांग रहा हूँ, चौका खुला है। ये क्या पानिया का दुकान है, जेब में रखो। इधर भाई, उधर अपनी जेब में। अरे भतीजे शरीफ, ईमानदार पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते। मैं हम लोग चोर नहीं है, मैं थिएटर कंपनी का मालिक हूँ और कुमार साहब है वो मेरे कलाकार है। कुमार साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं। ये आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। बैठे बैठे, थैंक यू थैंक यू। कुमार साहब आपके इतने पुराने दोस्त हैं तो आप उनके प्यार मोहब्बत वगैरह के बारे में सब जानते हैं। जी हाँ जी हाँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही होता था। हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, लव सीन, सेक्स सीन, मैक्स सीन, यानी कि जितने सारे सीन थे वो मेरे ऑफिस में ही होते थे। आपको ये मालूम करके अफसोस होगा कि आपके दोस्त कुमार साहब अपनी याददाश्त खो बैठे। खो बैठे, अरे गजब हो गया हुजूर, फिर तो मैं तबाह हो गया, मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा कितना नुकसान होगा। अरे वो जो टीवी का प्रोग्राम है उसका अब क्या होगा, ये सारा हर्जाना मुझे देना पड़ेगा। हुजूर याददाश्त चली गई है, कोई आवाज तो नहीं चली गई। जितने आशिक पागल मजनू बने हैं वो अपनी लैला की याद में बड़े सुरीले गाने गाते रहे, जैसे कि मैं गा रहा हूँ लैला लैला पुकारो मैं बनो। बकवास बंद करो, देख इन्हें ले जाओ। इंस्पेक्टर कॉल, जरा इधर आइए। कुमार साहब जिस लड़की से प्यार करते थे अगर वो सामने आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे? पहचान, मैं उसे एकदम पहचान लूंगा और उस बेवफा लड़की का गला घोटूंगा। मेरा यार उस लड़की को बहुत चाहता था, दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत में पागल थे। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? यहाँ है दोनों की तस्वीर, देखो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। उधर देखिए, ओह ये तो मेरा दोस्त दिलीप है। वो लड़की कौन है? लड़की कौन सी लड़की? वो जो उसके साथ है। हाँ हाँ बताइए लड़की। हाँ हाँ पहचानिए, बोलिए कौन है? बताऊं? हाँ बताइए ना बताऊं।
तकल्लुफ याद आ गया। तकल्लुफ है शराफत की निशानी, बेशर्म है वो जो तकल्लुफ नहीं करते। बात बंद कीजिए, मैं कहता हूँ उसका जवाब दीजिए। मैंने पहचान लिया। तो फिर बता दो ना, इस वक्त ये हमारे अन्नदाता है, माई बाप है, बहुत फायदा होगा। बता दो भतीजे, बता दो। इनके माथे के सिंदूर से ऐसा लगता है ये किसी शरीफ आदमी की शरीफ बीवी। ओह, आपने बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, दिलीप मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसे मिलकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो दिलीप, क्या हाल है? माफ करना, तुमको मेरा इंतजार करना पड़ा, मेरा इंतजार करना पड़ा। और सुनाओ। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ प्यारे लाल। और मैं किसी प्यारे लाल को नहीं जानता। नहीं जानते? कमाल है, इंसान बड़ा होकर कैसे भूल जाता है, ये मैंने आज देख लिया अंकल। लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, वो तुझे कैसे पहचान सकता है? याददाश्त चली गई तो क्या हुआ, दोस्ती तो नहीं गई। चुप करके बैठ जा। पता नहीं ये लोग हमें यहाँ किस लिए लेकर के आए हैं। क्यों हो गई? सकेंगे साधन में सुख होता नहीं है, सुख जी
जीवन की एक कला है। मुझसे ही छल किया ना तूने, अपने को तूने आप छला है। तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई, तेरे लिए मैं लाया बहारे, तेरे लिए मैं जान पे खेला। तो दिन तूने ही राह न देखी, छोड़ के चल दी मुझे अकेला। छोड़ के चल दी मुझे अकेला, तेरी जुदाई मेरी चिता है, गम की चिता में मैं जल रहा हूँ। मन मेरा दहके मरघट जैसा, अंगारों पर मैं चल रहा हूँ। तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी। तू औरों की क्यों हो गई, तू औरों की क्यों हो गई। हर चीज मुझे पागल कर रहा है। यहाँ की चीजों से ही तुम्हारी याददाश्त ना बताइए। नहीं डॉक्टर, सोचो दिलीप, सोचो। नहीं डॉक्टर, तुमने यही गाना, यही गाना तुमने गाया। सोचो दिलीप, सोचो, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। तुम्हें इंस्पेक्टर कॉल, अब सेठजी को समझाइए। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अभी तक आप याददाश्त वापस लाने में नाकाम रहे। फिर भी आप कुमार साहब को यहाँ रोकना चाहते हैं, क्यों, क्या राज है? कोई राज नहीं। तो फिर उसे जाने दीजिए ना। जितनी जल्दी उनका इलाज हो जाएगा उतनी जल्दी मैं उस लड़की को गिरफ्तार कर सकूंगा। और मेरा जो हजारों का नुकसान होगा वो कौन देगा? मैं दूंगा। कितना चाहिए? 10,000, 20,000, 1,00,000? वैसे सेठ जी, कानूनी तौर पर मैं दिलीप को रोक सकता हूँ। अगर मेरे वजह से ये सब परेशानियां हैं तो मैं चला जाता हूं। मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहता। प्लीज डॉक्टर, मुझे जाने दीजिए। चलो बेटा। थैंक यू डॉक्टर। जब तक मैं यहां रहा आप मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, और जब मैं जा रहा हूं तो आप उदास हैं। दिलीप, जब तुमने सोच लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे विदेश जाने से पहले मैं तुम्हारे ऑनर में एक फेयरवेल पार्टी देना चाहता हूं। माफ कीजिए, मैं अपने ख्यालात में डूबा हुआ था। डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो घर पर है, मैं आपको लेने आई हूँ। आप बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। कुछ पियेंगे आप? कॉफी। कॉफी? Thank you.
मेरी याददाश्त वापस आ गई, मेरी याददाश्त वापस आ गई, मुझे सब याद आ रहा, मुझे सब याद आ रहा है। माला, माला, मुझे सब याद आ रहा है, माला, मुझे सब याद आ रहा है। मेरी हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है दिलीप, किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म की। नहीं माला, नहीं, ये मेरी भूल है कि मैंने किस्मत को बदलने की कोशिश की। तुम्हें पाने की तमन्ना में मैंने अपने ही घर के चलते हुए दिए से हाथ चला लिए। अशोक मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है, उसके सीने में मेरा दिल है। वादा करो माला, वादा करो कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगी और अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताओगी। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, के बुझते दिए को न तुम याद करना। हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। लगन की अगन में अभी तक जले हैं, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो। सुहा सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उदासों के उनको नाशाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है। बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी नहीं है। चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है। नए गुल से गुलशन
को आबाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सितारे तो अंबर के रोते नहीं है, कोई नाव तूफान में जब डूबती है, किनारे तो सागर के रोते नहीं है, किनारे सागर के रोते नहीं है, है हम डोलती नाव डूबे तो क्या है, है हम डोलती नाव डूबे तो क्या है, किनारे हो तुम ना फरियाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, 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 तुम्हारे लिए है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। जिस लड़की की आपको तलाश है वो लड़की तुम हो। आपको मालूम है? हाँ। जिस दिन मैंने ये पेंटिंग देखी, माँ का दिया हुआ यह नेकलेस देखकर पहचान गया कि ये लड़की तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं हो सकती। तो उस वक्त आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझे खुद ही बता दोगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माला, आज भी तुम मेरे सामने सच्चाई की एक पवित्र मूर्ति की तरह हो। विश्वास करो, दिलीप की याददाश्त वापस लाने के अलावा मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं थी, और आज भी नहीं है। माला, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे मासूम दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उसे उसका सुख, चैन, प्यार, सभी कुछ तो छीन लिया है माला, सभी कुछ। काश मैं किसी तरह माला उसकी याददाश्त वापस ला सकता। उसकी याददाश्त वापस आ गई है? ये तुम क्या कह रही हो माला? क्या ये सच है? हाँ। क्या ये सच है उसकी याददाश्त वापस आ गई? हाँ। लेकिन फिर दिलीप ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है, वो आपसे बहुत दूर चला जाना चाहता है। नहीं नहीं माला, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा माला, कहीं नहीं। मैं उसकी जिंदगी आबाद कर दूंगा माला, मैं उसकी खुशी के लिए अपने आप को मिटा दूंगा माला, मैं अपने आप को मिटा दूंगा माला, मैं उसकी खुशी के लिए अपने आप को मिटा दूंगा माला, मैं अपने आप को।